आज हम गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्कुट की रेसिपी लेके आए हैं। ये बिस्कुट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। आइए हमारी गेहूं के आटे की बिस्किट की रेसिपी शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने पहले एक बड़े बर्तन के अंदर 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। गेहूँ के आटे के अंदर हमने 1/2 कटोरी सूजी ली है। सूजी डालने से हमारे बिस्कुट बहुत ही कुरकुरे बनके तैयार होते हैं। 1/2 कटोरी हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ली है। बीच में से जगह बना लेंगे। इसके बाद हमने लगभग 50 ग्राम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने एक बेकिंग सोडा लिया है। पहले हम इसे ड्राई ही मसलेंगे और मसल मसल के हमने यहाँ पे गेहूं के आटे के अंदर ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटे की हम मुट्ठी बांध के देख लेंगे। अगर मुट्ठी बन जाए तो ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूड़ी के जितना सख्त आटा लगा के तैयार कर लेंगे। हमें आटे को ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, और आटे को मसल मसल के हम तैयार कर लेंगे। आटे को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम आटे को फिर से चकले के ऊपर मसल लेंगे। आटे को 2 मिनट तक हम लगातार चकले पर अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद एक चाकू से हम इसे बराबर भागों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसकी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। एक एक लोई लेंगे और इसकी हम चपाती की जैसे इसे बेल लेंगे। बिना आटा लगाए हम चपाती बेल के तैयार कर लेंगे। चपाती को हम मोटा ही बेलेंगे। हमने यहाँ पे इतना मोटा चपाती को बेल लिया है। और बेलने के बाद अगर आपके पास कटर हो तो आप इसे कटर से कट कर सकते हैं, वरना इस तरीके की गिलास से भी आप बिस्किट को कट कर सकते हैं। सारे बिस्किट हमने कट कर लिए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे। इसके बाद हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ के नुकीले वाले हिस्से से हम इस तरीके से बिस्किट के बीच में चारों तरफ छेद कर देंगे। इस तरीके से छेद करने से बिस्किट्स अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाते हैं। इस तरीके से छेद करने की वजह से बिस्किट्स फूलते भी नहीं है, वरना ये पानी पूरी की तरह फूल जाते हैं। कढ़ाई के अंदर हम पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिए थे और गरम तेल के अंदर हम एक एक बिस्किट के डाल देंगे। हमें बिस्किट्स को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से हमारे बिस्किट बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, और इस तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई करने से बिस्किट्स बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। हमें बिस्किट्स को अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप घर पे परफेक्ट बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को आप कम भूप के अंदर या चाय के साथ या नाश्ते के अंदर इन बिस्किट्स को आप खा सकते हैं। जैसे ही बिस्किट्स अच्छे गोल्डन हो जाए तो हम इन्हें प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इस तरीके से आप घर में ही बिस्किट्स बना के तैयार कर सकते हैं। ये बिस्किट्स बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। बिस्किट्स की रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। हमारे बिस्किट बनके तैयार है। बिस्किट को हम एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। हमने सारे बिस्किट्स को एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लिया है और बर्तन के अंदर हम 2 घंटे तक हम इसे खुला ही छोड़ देंगे। बिस्किट को हम ढकेंगे नहीं। अगर ढक देते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और खुला छोड़ने पर ये बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और एक बिस्किट हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बिस्किट बनके तैयार हुए हैं।
बिल्कुल आसान तरीके से आप इस तरीके से बिस्किट्स बना के तैयार कर सकते हैं, और घर में ही इस तरीके से हेल्दी बिस्कुट तैयार करके आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।